नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुमार्स व्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको धर्मेंद्र की एक सुपरहिट फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूं। तो 1985 के अंदर एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, फिल्म का नाम था गुलामी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जेपी दत्ता ने। इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिले थे धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, अनिता राज, स्मिता पाटिल और रीना रॉय। तो ये हम इस फिल्म के अंदर देखने को मिले थे और इस फिल्म के अंदर धर्मेंद्र ने रंजीत सिंह चौधरी का रोल प्ले किया था और रीना रॉय ने मोरा का रोल प्ले किया था, मिथुन ने जाबर का रोल प्ले किया था, स्मिता पाटिल ने सुमित्रा का रोल प्ले किया था और अनिता राज ने तुलसी का रोल प्ले किया था। ठीक है, तो ये हमें इस फिल्म के अंदर कुछ इस प्रकार से दिखाए गए हैं और इस फिल्म की जो स्टोरी है वो बेहद ही अच्छी है और मुझे काफ़ी पसंद आई है फिल्म। तो दोस्तों इस फिल्म की जो शूटिंग हुई है, अधिकतर शूटिंग राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट के फतेहपुर शेखावटी में हुई है। इस फिल्म की बहुत सी शूटिंग इसी गांव से की गई है और आज मैं पहुंचा हूं फतेहपुर शेखावटी के रेलवे स्टेशन पर और इस रेलवे स्टेशन से फिल्म के बहुत से सीन शूट किए गए हैं। फिल्म के अंदर एक गाना आता है, मेरे पी को पवन किस गली ले चली, वो गाना भी इसी रेलवे स्टेशन से शूट किया गया है। तो जो भी सीन इस रेलवे स्टेशन से शूट किए गए हैं फिल्म के अंदर, वो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें और चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर आप हमें फॉलो करें। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह है फतेहपुर शेखावटी का रेलवे स्टेशन, इसी रेलवे स्टेशन को फिल्म के अंदर दिखाया गया है। न केवल एक बार बल्कि इस रेलवे स्टेशन का सीन फिल्म के अंदर बहुत बार दिखाया गया है। सबसे पहले मैं आपको इस रेलवे स्टेशन का नज़ारा दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के वो सीन दिखाऊंगा जो फिल्म के अंदर यहाँ से दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये है, देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है फतेहपुर शेखावटी, इधर भी एक बोर्ड लगा हुआ है। तो ये रेलवे स्टेशन है फतेहपुर शेखावटी का और यहाँ पे पहले में और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। ये जो आप सामने सीन आप देख पा रहे हैं, इसका भी नज़ारा फिल्म के अंदर दिखाया गया है जब धर्मेंद्र को पुलिस यहाँ से पकड़ के लेके जाती है। तो देखिए मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ एक बार रेलवे स्टेशन का। ये देखो यहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है और अभी आप देख सकते हैं दोस्तों फिल्म के स्टार्टिंग के एक सीन में जो रंजीत और मोरा होते हैं फिल्म में, वो यहाँ पे बैठे रहते हैं और जो रंजीत होता है वो ट्रेन का इंतज़ार करता है। ठीक है, तो देखिए पहले इस रेलवे स्टेशन के आसपास में मतलब रेत की लोकेशन थी, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुके हैं, जैसे नए नए मकान यहाँ पर बन चुके हैं। पहले यहाँ पे रेत के टीले थे, ये देखो अब मतलब मकान यहाँ पे बन चुके हैं। तो जो रंजीत होता है वो मोरा को बोलता है कि अब मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा हूँ और अब मैं बड़ा होकर ही यहाँ पे लौटूंगा। तो जो रंजीत होता है वो फतेहपुर छोड़ के मामा के जाता है और ट्रेन का इंतज़ार यहाँ पे करता है। तो देखिए यहीं पर बैठा रहता है, आप स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हैं जो फतेहपुर शेखावटी का जो ये बोर्ड है ये दिखाई दे रहा है और इस रेलवे स्टेशन का नज़ारा दिखता है, आप स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं। देखिए ये बोर्ड उसी प्रकार से लगा हुआ है और ये रेलवे स्टेशन भी उसी प्रकार से है। तो ये सीन फिल्म में दिखाया जाता है और इसके बाद यहाँ पे ट्रेन आती रहती है सामने से और फिर जो रंजीत होता है वो ट्रेन में बैठ के चले जाता है और फिर फिल्म में जो मोरा होती है वो ट्रेन के साथ साथ भागती है। इसके बाद ट्रेन यहाँ से गुजर जाती है और जो फिर मोरा होती है वो यहाँ पे अकेली खड़ी रहती है और ये सीन हमें फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। ये फतेहपुर शेखावटी का रेलवे स्टेशन इसी प्रकार से दिखाया गया है फिल्म में, जो मोरा यहाँ पे खड़ी रहती है। तो देखिए फतेहपुर शेखावटी लिखा हुआ दिख रहा है, आप मैच कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमारे को इस रेलवे स्टेशन के ऊपर ये अंकल जी मिले हैं और ये बेसिकली यहाँ फतेहपुर शेखावटी के ही रहने वाले हैं, तो इनसे बात करते हैं और फिल्म के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणजीत राहुल। अच्छा, फिल्म में जो धर्मेंद्र का नाम भी रंजीत ही रहता है और सर का भी रंजीत ही नाम है। तो सर आप बताइए, यहाँ पे गुलामी फिल्म की यहीं पे शूटिंग हुई थी? हाँ, यहीं पे रेलवे स्टेशन पे शूटिंग हुई थी, यहाँ पे इसी स्टेशन पे हुई। हाँ, इसी स्टेशन। तो जैसे पहले यहाँ पे जैसे रेत के टीलों का नज़ारा दिख रहा है रेलवे स्टेशन के, पहले था अब नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए यहाँ पे।
अच्छा, अभी मिलेंगे आपको, बहुत काफी दूर मिलेंगे, टीले हैं इधर भी है, इधर भी है, दूर मिलेंगे। अभी सामने रेत के टीले हैं लेकिन हाँ, इधर भी है, पीछे भी, आपके पीछे भी देखिए आप, सामने जो आपको दिखाई दे रहा है देखिए, सामने भी ये रेत के टीले हैं। और अभी इस रेलवे स्टेशन के आसपास में मतलब डेवलपमेंट हो चुका है, नए मकान वगैरह बन चुके हैं, मतलब जो रेत के टीले हैं वो दूर दूर हैं अभी, है ना। तो और यहाँ पे कौन सी जगह शूटिंग हुई है? यहाँ पे जो चमड़िया कॉलेज है वहाँ पे भी धर्मेंद्र की इनकी शूटिंग हुई है, हाँ गुलामी पिक्चर की। और हवेलिया भी है वहाँ पे भी शूटिंग हुई है, जहाँ पे धर्मेंद्र ने आपका घोड़ा हवेली के अंदर भी घुसाया था, वो भी है यहाँ पे। अच्छा, मतलब बहुत सी शूटिंग हुई है, फतेहपुर को ही दिखाया गया फिल्म में, एकदम सुपरहिट फिल्म, बहुत बढ़िया फिल्म थी। तो आप मतलब आपने देखी थी क्या उस टाइम में? बिल्कुल, उस टाइम पे नहीं देखी थी, मगर हमने मोबाइल पे टेलीविजन पे इस पे देखी थी। जिसने फतेहपुर के अंदर जो भी जहाँ पे भी बनाई है वो हम जगह जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे को, थैंक यू भैया। और इसके बाद दोस्तों, फिल्म में जो मोहरा होती है वो हमेशा रंजीत का इंतजार करती रहती है इस रेलवे स्टेशन के ऊपर, यानी कि रीना रॉय धर्मेंद्र का इंतजार करती है इस रेलवे स्टेशन पर फिल्म के अंदर। और जब भी इस रेलवे स्टेशन से ट्रेन गुजरती तो वो उस ट्रेन को देखती कि रंजीत आया होगा, ठीक है। इसके बाद इस रेलवे स्टेशन के ऊपर वो गाना शूट किया गया था, मेरे पी को पवन किस गली ले चली। तो एक सीन के अंदर जब इस रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन आती है तो रीना रॉय ट्रेन के साथ साथ भागती आती है, वो सीन यहीं से दिखाया गया है, ठीक है। पहले यहाँ पे रेत के टीले थे, मतलब इतना डेवलपमेंट नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रेन आती है और रीना रॉय उस ट्रेन के साथ साथ भागती है, वो गाना यहीं से शूट किया गया था। और इसके बाद जो फिल्म में रंजीत होता है वो फाइनली यहाँ पे बड़ा होकर आता है यहाँ पे, और धर्मेंद्र इस रेलवे स्टेशन के ऊपर आते हैं और फिर यहाँ पे रीना रॉय उन्हें मिलती है, ठीक है। इसी रेलवे स्टेशन का सीन फिल्म के अंदर दिखाया गया है। जो रेत के टीले हैं वो अब यहाँ पे मैच हो नहीं सकते हैं, ओनली इस स्टेशन का नज़ारा मैच हो सकता है, जो स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिए हैं, आप परफेक्ट उन्हें उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। दोस्तों फिल्म के अंदर एक सीन को यहाँ से दिखाया गया है, ये जो आप सामने रेलवे स्टेशन का नज़ारा आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से फिल्म में धर्मेंद्र को पुलिस पकड़ के लेके जाती है और ये नज़ारा हमें फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, आप स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं, देखिए ये आप रेलवे स्टेशन का नज़ारा आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। तो यहाँ से धर्मेंद्र को पुलिस पकड़ के लेके जाती है, वो सीन यहाँ से दिखाया गया है। और इसके बाद यहाँ पर ट्रेन आती है और फिर ट्रेन में बैठा के धर्मेंद्र को लेके जाया जाता है। और उसी समय इस जगह का सीन तब भी आता है जब फिल्म में जो सुमित्रा होती है उसकी शादी होने के बाद उसे विदा किया जाता है, वो सीन फिल्म का यहीं से दिखाया गया है, देखिए स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, आप मैच कर सकते हैं। तो देखिए वो भी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं और उसी ट्रेन में बैठ के जाते हैं जिस ट्रेन में धर्मेंद्र बैठ के जाते हैं, ठीक है। और धर्मेंद्र को जाने के बाद फिर रीना रॉय यहाँ पर अकेली रहती है, देखिए स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, आप मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों फतेहपुर सेखावटी रेलवे स्टेशन से जो भी सीन फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं वो सब मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा के सब सीन दिखा दिए हैं। ये वीडियो और ये लोकेशन आपको कैसी लगी ज़रूर आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर आप हमें फॉलो करें। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं गुलामी फिल्म शूटिंग लोकेशन के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।